नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगिता, स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। कोरोना वायरस महामारी से जुड़ी एडवाइजरी में सबसे बड़ी सलाह दी गई थी कि अपने चेहरे को बार बार ना छुएं, यहां तक कि बिल्कुल ना छुएं। हालांकि चेहरा ना छूना हम सभी के लिए आसान नहीं है, ना चाहते हुए भी आपका हाथ बार बार आपके चेहरे पर ही जाता है। यहाँ तक कि विज्ञान में भी ये बात सिद्ध हो चुकी है कि चेहरे को छूना मनुष्यों में से एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। बच्चे के जन्म से पहले भी माँ के पेट में कई बार अपना चेहरा छूते हैं। अध्ययन में पता चला कि हम हर मिनट में कम से कम 1 से 3 बार अपना चेहरा छूते हैं। हम दिन में 16 घंटे जागते हैं और इस दौरान अगर हम अपने चेहरे को छूने की संख्या को गिने तो 1000 से कम नहीं निकलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बार बार चेहरा छूना हमारे स्किन के लिए हानिकारक हो सकता है। बार बार चेहरा छूने से हमारे चेहरे पर एक्ने और पिंपल की परेशानी भी हो सकती है। इसके साथ साथ कोई फंगल इन्फेक्शन भी हमारे चेहरे पर आसानी से हो सकता है। दरअसल हमारे हाथों पर जर्म्स होते हैं और बार बार चेहरा छूने से ये जर्म्स हमारे चेहरे पर जमा हो जाते हैं और यही जर्म्स हैं जो एक्ने और पिंपल का कारण बनते हैं। अक्सर कुछ लोग बिना हाथ धोए अपने चेहरे को छू लेते हैं। ऐसा करने से चेहरे पर फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिससे कुछ लोगों को लगातार एक्ने और पिंपल का सामना करना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि इस आदत को हम कैसे छोड़ें। अक्सर पहली बात जो मन में आती है जब हम किसी आदत को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो वह बार बार टोकना। ऐसे अगर आप बार बार किसी को एहसास दिलाएंगे कि चेहरे को नहीं छूना है तो ये ट्रिक काम कर सकती है। ऐसा शोध में पाया गया है कि अगर आप किसी व्यक्ति को बार बार अपना चेहरा ना छूने के लिए कहें तो उसकी ये आदत छूट सकती है। लेकिन साथ ही उसका उलट असर भी हो सकता है, जैसे वह इंसान बार बार टोकने से चिढ़ सकता है या आपकी बात सुनना बंद भी कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चेहरे को छूने की आदत के पीछे हर इंसान की वजह अलग होती है। इसे पहचाने कि आप अपना चेहरा कब छूते हैं, जैसे कुछ सोचते हुए या लिखते हुए आदि। जब आपको समझ आ जाए तो अपने शरीर को ऐसा करने के लिए ट्रेन करें। तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।